वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, माई सेल्फ मोहम्मद सालिक इज़ वेलकम यू अगेन इन माई वीडियो. एज यू नो दैट आई वॉज ब्रिंगिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट्स PDF हैंड रिटन नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. एंड इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी. फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द हैंड रिटन नोट्स ऑफ We are starting to provide handwritten notes of biology. In this video, we will discuss the we will advertise our notes of chapter number 1, class 11, biology. The name of the chapter is The Living World. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए handwritten notes लेके आता रहता हूँ. तो आज की वीडियो में मैं आपको notes दिखाने वाला हूँ chapter number 1 के subject biology. तो देखिएगा बच्चों, हम ये hard copy के notes आपको दे रहे हैं इस time. बना रहे हैं वीडियो PDF पे भी वीडियो बनाएंगे. हमारे पास सभी तरह के नोट्स अवेलेबल होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी. आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड. तो बच्चों फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, सारे NCERT के टॉपिक डिस्कस हुए हैं प्रिसाइज वे में. हमने इनको यहाँ पे नोट डाउन किया है विद क्लीन एंड ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. तो देखिएगा द लिविंग वर्ल्ड. सबसे पहले हमने बताया डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में बायोडाइवर्सिटी को बताया प्रॉपर वे में. हमने आपको बताया कि CBSE के अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना पड़ेगा जो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. काफ़ी सारी बुक्स की हेल्प लेके हमने ये बनाया हुआ है. तो देखिएगा ये नोमेनक्लेचर बताया, इसके बाद लोकल नेम्स क्या क्या होते हैं इसके, अगर कोई सब हेडिंग है तो सब हेडिंग भी हमने यहाँ पर दे रखी है. प्रॉपर वे में आपको नोट्स ये मिलने जा रहे हैं. नेक्स्ट हेडिंग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. आई होप आपके समझ में आ रहा होगा बच्चों. तो ये देखिए चैप्टर नंबर 1 भी हमने यहाँ मेंशन कर रखा है. तो जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ. चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज, ये सेकंड पेज स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये देखिएगा. तो बस मैं ऐसे ही आपको 1 by 1 स्क्रॉल करके दिखाता जाऊँगा और आपके समझ में आता जाएगा. ये देखिए प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ये देखिएगा एक्सपर्ट्स के ये नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प आपके ये करने वाले हैं. क्लास 11th क्लास 12th सभी तरह के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करते हैं. तो ये देखिए बच्चों, ये 6 पॉइंट हमने यहाँ लिखे रूल्स में. और नेक्स्ट हेडिंग आई एडवांटेज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ही ये सब हेडिंग चल रही है. तो ये देखिए चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. पेज नंबर 3 ये वही हेडिंग है पिछली. नेक्स्ट आई टॉक्सोनॉमी, ये हमने यहाँ बताया क्या है पूरा, और इसकी दूसरी डेफिनेशन आसान शब्द में हमने यहाँ पे लिख दी है. आई होप आपके समझ में आ रहा होगा. वीडियो को बहुत सिंपल रखा है इसी वजह से जैसे आपको बहुत अच्छा समझ में आए. ये देखिएगा बच्चों, इसकी कैटेगरीज हमने यहाँ पे बताई है. टॉक्सोनॉमिक कैटेगरी, पहली स्पीशीज़, ये देखिए 7 कैटेगरी है. एक एक करके यहाँ पे सब डिस्कस हो रही हैं. पेज नंबर 3, ये देखिए पेज नंबर 4, सारी कैटेगरीज हैं. ये लास्ट 7th किंगडम. क्लियर, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा. तो ये पेज नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ. पेज नंबर 5 ये आ गया सिस्टमेटिक्स. ये आप यहाँ से देख के भी आराम से लिख सकते हैं. अगर आपको ये PDF चाहिए तो बेटा इसकी PDF या हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन पर हमारा नंबर दे रखा है, दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपको ईजिली प्रोवाइड करा दी जाएगी. बहुत ही चीप रेट पर हम यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करते हैं. ऑल इंडिया टीचर्स हमारे नोट्स से पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका रेस्पॉन्स आ रहा है. ये देखिए लास्ट हेडिंग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, या नीड बताई हमने, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बताया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. क्लियर, पेज नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ. इसके पीछे पेज नंबर 6 ये देख लीजिएगा आप. पेज नंबर 6 हमने आपको बता दिया. तो ये पेज नंबर 6 चल रहा है नेचुरल क्लासिफिकेशन. और फिर फर्दर हमने बी हेडिंग सी हेडिंग यहाँ फर्दर आपको लिखवाया हुआ है. पेज नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. पेज नंबर 7 इज़ ऑन योर स्क्रीन. चैप्टर नंबर 1 के ही ये बारे में बता रहे हैं आपको हम. और धीरे धीरे सारे चैप्टर हम की वीडियो हम लेकर आएंगे. अगर आपको ये PDF फॉर्म में या हैंड रिटन आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया कॉल और वाया व्हाट्सएप नंबर. ये देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये देखिए कितनी वेल हैंड रिटन राइटिंग में हम आपको दे रहे हैं. ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू राइट, ईजी टू रीड. क्लियर, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा. चैप्टर नंबर पेज नंबर 7, पेज नंबर 8,
इज़ ऑन योर स्क्रीन। ये देखिएगा बच्चों, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, हम आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे, बहुत ही सस्ते रेट पे हम ये प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये देखिए थर्ड हेडिंग बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, और ये पेज नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 9 इज रिटन इज ऑन योर स्क्रीन। फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ हेडिंग लास्ट नेक्स्ट मेन हेडिंग टू किंगडम सिम्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिएगा बच्चों, ये पेज नंबर 9 भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। पेज नंबर 10 देखिएगा, ये रहा फॉर्म साइज एंड सिमेट्री के बारे में बताया, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन एंड रिजनरेशन, रिजर्व फूड, सेल स्ट्रक्चर, प्रॉपर हैंड राइटिंग में और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में CBSE के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने लिखा। CBSE जैसा लैंग्वेज चाहती है हमने वैसी लैंग्वेज यहाँ पर देने की कोशिश की है। हम भी CBSE के टीचर हैं, बहुत सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं, मार्किंग स्कीम बना रहे हैं, बना बना के CBSE को भेज रहे हैं, तो हम जानते हैं कि CBSE किस तरह का, CBSE के टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं किस तरह का मटेरियल पसंद करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए अपनी नोटबुक में, उसको ही हमने फॉलो किया है अपने नोट्स में। अभी देखिए आगे डायग्राम भी आएंगे, आपको डायग्राम भी हम दिखाएंगे इजीली वे में, कितने सिस्टमेटिक वे में हमने डायग्राम यहाँ पे बना रखे हैं। देखिए बच्चों, ये देखिएगा 12 पेज है ये, मेरिट्स डीमेरिट्स, प्रॉपर हर बात एक्सप्लेन की गई है, प्रॉपर हर बात एक्सप्लेन की गई है, बहुत सारी बुक्स से मटेरियल लेके हमने यहाँ पे ये बनाया है, प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखा है जैसे आपको पढ़ने में मज़ा आए, पढ़ना अच्छा लगे। ये पेज नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये देखिए बच्चों, अभी 13 पेज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्लाइम से, स्लाइम मोल्ड्स, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये देखिएगा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी बताएंगे सारे हम फाइव किंगडम्स कौन कौन से हैं, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने स्टार्ट करें। पेज नंबर 13 भी पूरा हुआ। पेज नंबर 14 देखिएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे सब हमने यहाँ पे बताया आपको, सब हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है, किस वे में आपको लिखना है जो आपको इफ़ेक्टिव मार्क्स मिल सके। तो बच्चों अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमें दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके आप हमसे कोई भी चैप्टर ले सकते हैं, एक एक चैप्टर करके भी हम प्रोवाइड करा देंगे, फुल सिलेबस अगर आप लेंगे तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। MCQs जैसे कि चल रहे हैं इस बार, MCQs भी हमारे पास अवेलेबल हैं, पर सब्जेक्ट MCQs में हम डील कर रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया हमारे नोट्स से, हमारे MCQs से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए किंगडम मोनेरा ये आया यहाँ पे, जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बताया, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ये देखिएगा बच्चों, ये पेज नंबर 15 भी कम्प्लीट हुआ, और अब डायग्राम्स यहाँ पे आने वाले हैं, डायग्राम्स आपको दिखाएंगे डिटेल में, कितने इजीली इजी वे में हमने आसानी से डायग्राम बनाने की कोशिश की है जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। ये देखिए, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इनकी क्वालिटी को जज कर पाएंगे बहुत आराम से। ये चल रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, बैक्टीरिया, एक्रोनस शेप, साइज, ये देखो पहला डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, पहला डायग्राम हमने यहाँ बनाया, आई होप आपको दिख रहा होगा। और अब नेक्स्ट पेज देखिएगा, न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सब हमने यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए ध्यान से सब बताया हुआ है। रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये देखिए बच्चों, स्पोर्ट्स, और ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम इजी वे में डायग्राम, ये देखिए मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो सारी बुक्स को स्टडी करके आसान सा डायग्राम हमने लिया है जो आपको अच्छा से समझ में आए। ये देखिएगा, ये देखिए, आई होप
टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. ओके ये देखिएगा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21 जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है. तो प्रॉपर वे में आपको ये नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर फाइल बना के आपको देंगे, हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ बना के देंगे, आप इजीली प्रिंट करा सकते हैं. प्रॉपर क्लीन रीडेबल हैंडराइटिंग में एचडी क्वालिटी में हम आपको ये पीडीएफ देने वाले हैं. तो ये देखिए 22 पेज था ये. ये देखिएगा एक और डायग्राम यहाँ पे है, बहुत आसान सी लैंग्वेज में डायग्राम है, इजीली एकदम बना के देखना आपको एक बार और एकदम आपको याद हो जाएगा. काफ़ी मेहनत करी गई है इनके पीछे. आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर पे और आपको नोट्स चाहिए. तो ये देखिए बच्चों ये सेल स्ट्रक्चर हमें बताया पूरा ईजिली. अभी लास्ट चल रहा है बस 24 पेज, बिल्कुल लास्ट चल रहा है. ये देखिए लास्ट डायग्राम देख सकते हैं आप, कितना अच्छा और आसान लैंग्वेज में डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है. आपको बहुत सारी बुक से हम लिया है, अच्छा अच्छा जो अच्छा लगा जिस बुक से वो लाइन ले ली, जिस बुक से जो डायग्राम आसान हुआ प्रॉपर मार्क्स मिलने वाला वो ले लिया. ऐसा भी नहीं कि हमने अधूरा डायग्राम बनाया आपका मार्क्स कटेगा, मार्क्स आपको कोई नहीं काट सकता. ये देखिए लास्ट हेडिंग पेज नंबर 25 है, 26 पेजेस की ये नोट्स हैं, 26 पेजेस में एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर एंड चैप्टर 1 इज़ कंप्लीट नाउ. आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों. तो प्लीज़ हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये नोट्स कैसे लगे और आपको किस तरह के नोट्स और चाहिए हमें बताइएगा, और हमें अपना प्यार दीजिएगा. देखिए कितना सब कुछ हम आपके लिए करते रहते हैं और आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब. तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें बताइए किस तरह के नोट्स आपको चाहिए. ठीक है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट आई विल टेल यू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 9 टू 12 नोट्स अवेलेबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर फॉर पीडीएफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.